फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है लेकिन नए लॉन्चेस नहीं। नवंबर के महीने में हम काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लॉन्चेस देखने वाले हैं फोर्स मोटर्स, जीप, ह्यूंडई और टोयोटा से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और पता लगाते हैं कि नवंबर में हम कौन कौन सी गाड़ियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोयोटा इस महीने नई जनरेशन इनोवा यानी इनोवा हाईक्रॉस को रिवील कर रही है। ये कम्प्लीटली न्यू मॉडल रहेगा और इनोवा क्रिस्टा से कम्प्लीटली अलग, लेकिन इसका सबसे बड़ा चेंज देखेगा इसके बनावट में। हाईक्रॉस यूज करेगी एक मोनोकॉक चैसी जो बनाएगी इसको एक फ्रंट व्हील ड्राइव एमपीवी। उसके मुकाबले इनोवा क्रिस्टा में यूज होता है एक लैडर फ्रेम चैसी और रियर व्हील ड्राइव ट्रेन। और तो और एक नया 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हैबिट पेट्रोल इंजन मिलने वाला है इनोवा हाईक्रॉस के साथ, लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं रहेगा। एक अच्छी बात ये है कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को भी सेल पे रखने वाला है, लेकिन हाईक्रॉस जो है वो थोड़ी सी महंगी रहेगी क्रिस्टा से। मारुति की ऑल्टो K10 CNG भी इस महीने लॉन्च हो सकती है। ऑल्टो में सिलेरियो का 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो ऑलरेडी आता है CNG के साथ। LXi और VXi वेरिएंट्स के साथ आपको CNG का ऑप्शन शायद मिल सकता है। यहाँ पे भी आपको लगभग 80,000 या 1 लाख एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे CNG के लिए, लेकिन फीचर्स में कोई बदलाव नहीं रहेगा। जीप ग्रैंड चेरोकी 11 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रही है। ग्रैंड चेरोकी के साथ आएगा एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो आएगा 8-स्पीड ऑटोमेटिक और ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ। 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ADAS और जीप का सिलेक्ट टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम जैसे हाईलाइट्स मौजूद रहेंगे ग्रैंड चेरोकी पे। क्योंकि ये इंडिया में असेंबल हो रही है तो इसके प्राइजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80 लाख एक शोरूम के आसपास। ये ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज GLE, वॉल्वो XC90 और BMW X5 जैसे प्रीमियम SUVs के मुकाबले में जाएगी। MG हेक्टर का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर सकता है नवंबर के महीने में। ये फेसलिफ्टेड हेक्टर के साथ आपको स्टाइलिंग चेंजेस मिलेंगे अंदर और बाहर और कई सारे नए फीचर्स जैसे कि ADAS और एक बड़ा सा 14 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, लेकिन इंजन और ट्रांसमिशन में कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है। ह्यूंडई की प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर आयोनिक 5 इंडिया में लॉन्च हो सकती है इस महीने। ये रहेगी ह्यूंडई की दूसरी ईवी भारत में। ग्लोबली ये आती है 58 kWh और 72.6 kWh की बैटरी पैक्स के साथ जो ऑफर करती है 384 किलोमीटर और 481 किलोमीटर का रेंज। और इसके साथ 4 पावरट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें से रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव भी इंक्लूडेड है। ह्यूंडई आयोनिक 5 को इंडिया में लोकली असेंबल करने वाला है और इसके वजह से इसके प्राइजेस 50 लाख रुपए के रेंज में रह सकते हैं। ये अपनी सिबलिंग यानी कि किया EV6 से मुकाबला करेगी जो टेक्निकली सेम ही प्लेटफॉर्म पे बनी है। फोर्स गुर्गा का 5-डोर वर्जन एक्सपेक्टेड है इस महीने। कई सारी डीलरशिप्स में ऑलरेडी ये गाड़ी पहुंच चुकी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मल्टीपल सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस में आएगी जैसे कि 7, 9 और 13 सीट्स में। फीचर्स और इंटीरियर में कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है और ये आएगी एक 2.6 लीटर डीजल इंजन के साथ और एक 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। प्रवेग एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप अपनी इलेक्ट्रिक SUV दिखाने वाला है यानी कि अनवील करने वाला है नवंबर 25 को। प्रवेग ने ऑलरेडी इस इलेक्ट्रिक SUV के टीजर्स अपने सोशल मीडिया पे दिखाना शुरू कर दिए हैं। टीजर्स देख के हम ये बता सकते हैं कि इसके साथ आपको मिलेंगे रियर सुसाइड डोर्स। ये ऑफर कर सकती है 500 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज और 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। टोयोटा ग्लांजा का CNG वेरिएंट भी इस महीने लॉन्च हो सकता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले महीने, क्योंकि मारुति ने हाल ही में ही बलिनो का CNG वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। तो यही थी सारी गाड़ियां जो आप देखने वाले हैं नवंबर के महीने में। इनमें से आप कौन सी गाड़ी के लिए रुके हैं बताइए हमें नीचे कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई जान पहचान वाला इस महीने गाड़ी लेने वाला है तो उन्हें भी ये वीडियो दिखाए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।